वेलकम टू माई YouTube चैनल गोपाल केरनी में। पहले तो मुझे लगता था कि YouTube एक बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है, पर कल के मेल के बाद मेरे को तो लगता है YouTube एक ओपन प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं। मेरे को YouTube ने मेल भेजा है कि आपको कंटेंट बनाना है बच्चों के लिए, मेड फॉर किड्स, उन बच्चों के लिए जिनकी माया उनको बोलती है कि किस शैतान को पैदा कर दिया मैंने, ये बोलती नजर आती। YouTube तो आजकल तो यार टास्क देने लग गया। मेरे को लगता है YouTube ना रियलिटी शो से बहुत इंस्पायर हो चुका है, टास्क दे रहा है कि बच्चों के लिए वीडियो बनाना। सीरियसली, मैं वो बंदा हुआ मेरे मुंह से गाली दिए बिना मेरे से बात नहीं होती। तो आज का वीडियो बनाएंगे मेरे पापा, वो करेंगे वीडियो शूट, मैं नहीं कर रहा। पापा आज का वीडियो आपको बनाना पड़ेगा। अरे हाँ क्यों नहीं, पक्का पक्का पक्का। अगले 3 दिन तक मैं आपको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। क्या करता रहता है पूरा दिन? तो बच्चों आज का तुम्हारा वीडियो बनाने वाला हूँ मैं। मेरे से बच्चों ये उम्मीद मत रखना कि मैं तुमको बहुत ज्ञान बांटने वाला हूँ। मैं वो पुराने ख्यालत वाला बुड्ढा नहीं। आज का हमारा पहला ब्लॉग है, मेरे लिए तो पहला ही है, तुम लोग के लिए है ना। आज हम सबसे पहले हम घर की सफाई से शुरू करेंगे। जिनको जिनको बच्चों को लगता है कि घर की सफाई करना बहुत गलत चीज है, हमारे पापा तुम्हारी मम्मी को ब्याह करके लेके आए थे, नौकरानी बनने के लिए लेके नहीं आए थे। घटिया बच्चा, शक्ल तुम्हारी जराबों जैसी है, बचपन से तुम्हारी इतने चुतड़ों से धोए ना, टट्टी लगे हुए, ये सारे वो सूलेगी एक दिन। झाड़ू मारने के बाद हमेशा अपने कमरे को पोछा भी मारना, पोछा जब भी धो ना एक कमोड के अंदर से बचा हुआ पानी से मत धोना। पता नहीं कौन सी गली से उठ के आ जाते हैं, मेरा ब्लॉग देखेंगे, बताता तुमको आज मैं। शैंक में तुम लोग सुबह करते है ना, उस समय धो लिया कर, टाइम बचेगा बाल्टी में भर लेते हो पानी, सुबह उठ के ब्रश करते हो कि नहीं करते, वो भी तुम्हारी मम्मी कराती है। खाना खाए, स्कूल जाए, वहाँ से घर पे आके मम्मी को बताएं कि टीचर मेरे को मारती है। अपन शैतानों वाली हरकतें भी तो बताओ जो तुम मैडम को बोलते हो। पैदा होने को इतनी जल्दबाजी थी कि दूसरे को आने नहीं दिया, अकेले ने पूरा घर पे कब्जा जमा के रखा हो। तुम लोग मेरे से उम्मीद मत रखना कि मैं तुम लोग को बहुत अच्छी चीजें सिखाने वाला हूँ, सिखाऊंगा पर बाद में, पहले तुम्हारी टांग खिंचाई कर दूं। मेरा पहला व्लॉग है, हमेशा इस बात को याद रखना, जैसे तुम लोग बड़े हो जाओगे ना न्यूज चैनल से तो दूर ही रहना, इतनी नेगेटिविटी फैलाते हैं ना तुम लोग अपने माँ बाप को भूल जाओगे। और एक चीज ये भी याद रखना कि तुम लोग हमेशा अपने रिश्तेदारों और अपने गली वालों से बहुत दूर रहना। इन लोगों ने अपने बच्चों के पर तो काट दिए होते उड़ने के लिए, तुम लोग से आगे पूछेंगे बेटा तुम बड़े हो गए क्या बनोगे, पैसा तुम लगाने वाले मेरी पढ़ाई पे? उनको सीधा मुंह पे जवाब दो, अपना काम से काम रख बुढ़ऊ, समझे? हमसे पूछने आया क्या बनेगा, खुद के बच्चे का पता नहीं है, टट्टी करके उसने फ्लैश आउट किया कि नहीं किया। कमरे की सफाई तो कर ली है, अब हमारा मन कर रहा है कॉफी बनाने का। शक्ल अगर तुम्हारी चाय पीने वाली हो ना तो कॉफी को भूल जाना, ठीक है? ये मीरों के शौक होते हैं, शक्ल चप्पल चोर जैसी। और ऊपर से तुम लोग जो बाप को कहते ना ये वाला फोन लेके, तो वो वाला फोन लेके तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मत खा, खाई मत, मर जा भूखा मर जा। बाप के साथ एक दिन फैक्ट्री में जाके यहाँ पता चलेगा तो फोन चाहिए, आईफोन चाहिए, शक्ल पीसे हुए केले जैसी है, आईफोन चाहिए इसको गधे को। और याद रखो कभी भी बड़े होकर धर्म के डिबेट नहीं करना, धर्म के नाम में डिबेट कभी नहीं करनी चाहिए, उल्टा धर्मों की रक्षा करो, ठीक है ना? डिबेट करेंगे अंडे से निकले नहीं है, बाहर धर्मों के डिबेट करने शुरू हो जाते हैं लोग अपनी 14 साल की उम्र में, घटिया नहीं आने। पहला ब्लॉग है, छोटे ब्लॉग बना रहा हूँ, ज्यादा बड़ा ब्लॉग बनाऊंगा तुम लोग मैं कपड़े फाड़ दूंगा ऐसी बातों में। वीडियो अगर पसंद आई होगी ना तो लाइक करना, शेयर करना और अपने यार दोस्त को भी भेजना, उनको पता चले कि वो लोग क्या करें जिंदगी में और क्या नहीं करना चाहिए, समझे? सब्सक्राइब करो चैनल को, घटिया नहीं आने।